हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के वजन गिरने पर तंज कसा। विज ने कहा कि लोग अपना वजन कम करने के लिए बड़े बड़े पैकेज लेते हैं। केजरीवाल जी का वजन मुफ्त में कम हो रहा है, फिर भी वो रो रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा हरियाणा भाजपा से मांगे हिसाब पद यात्रा पर कहा कि विपक्ष का काम है हिसाब मांगना, लेकिन सरकारें उनकी भी रही है, हिसाब उन्हें भी देना पड़ेगा। लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नहीं, मैंने सुना कि किसी पत्रकार वार्ता में कि शोर मचाया जा रहा था कि केजरीवाल जी का जेल में जाके वजन कम हो गया, तो उनको खुश होना चाहिए। लोग तो वजन कम करने के लिए बड़े बड़े पैकेज लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और केजरीवाल जी का मुफ्त में ही वजन कम हो रहा है। विपक्ष को अधिकार है हिसाब मांगने का, लेकिन लोगों को भी अधिकार है कि किस पार्टी ने, किस सरकार ने अपने अपने समय में क्या क्या किया। यहाँ पर जितनी भी आज पार्टियाँ सक्रिय हैं, उन्होंने कभी ना कभी इस प्रदेश में राज जरूर किया। इनेलो ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। सारों ने सबका राज देखा। अब लोग तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा राज लोगों के लिए ठीक था। वो राज जिस पार्टी के नेता बाजार में जाते थे तो सारे शटर गिर जाते थे, वो राज जिन्होंने किसानों की सस्ते दामों पर जमीनें लेकर और बिल्डर माफिया को भेज दी। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस गांव की तरफ जाते थे, लोग खेतों में भाग जाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा हाल था। नौकरियां लगाने की दुकानें लगी हुई थी, तबादलों की मंडियां सजी हुई थी, और एक हमारा 10 साल का राज पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, तबादले ऑनलाइन कर दिए, लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। तो लोग तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तीनों का, और उसके बाद फैसला करेंगे, और वो जो फैसला करेंगे वो फैसला भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा, कमल के फूल के हक में होगा, नरेंद्र मोदी की पार्टी के हक में होगा, भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा।